जमशेदपुर में आगे बढ़ाते हुए मुख्यमंत्री रघुवर दास और केंद्रीय कपड़ा एवं सूचना एवं प्रसारण मंत्री स्मृति ईरानी ने 70 कंपनियों का शिलान्यास किया। झारखंड मोमेंटम के समय आपको बता दें कि 210 MOU पर हस्ताक्षर हुए थे और 6 महीने के अंदर 91 MOU पर काम शुरू भी हो गया है। इससे 28,000 लोगों को सीधा रोजगार मिलेगा। इस मौके पर झारखंड सरकार के मंत्री CP सिंह, अमर बाउरी और रामचंद्र चंद्रवंशी भी शामिल हुए। तो जमशेदपुर के गोपाल मैदान में मोमेंटम झारखंड के दूसरे चरण की शुरुआत हुई। इस अवसर पर मुख्यमंत्री रघुवर दास और केंद्रीय कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी ने एक साथ आपको बता दें कि 70 कंपनियों का शिलान्यास किया। इसके अलावा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को आगे बढ़ाते हुए कई ऑनलाइन पोर्टल और ऐप का भी लोकार्पण किया गया ताकि व्यापारियों और उद्योगपतियों को बिजली के कनेक्शन जैसे छोटे छोटे काम के लिए कार्यालयों के चक्कर ना लगाना पड़े। रोजगार के नए दरवाजे खोलने के लिए 70 कंपनियों का आज शिलान्यास किया गया है। आपको बता दें कि जमशेदपुर के गोपाल मैदान में मोमेंटम झारखंड के दूसरे चरण की शुरुआत हुई जिसमें मुख्यमंत्री रघुवर दास और केंद्रीय कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी ने 70 कंपनियों का शिलान्यास किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा कि आने वाले 5 साल में महाराष्ट्र और गुजरात से आगे झारखंड होगा। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने जमशेदी टाटा को स्मरण करते हुए अपने भाषण की शुरुआत की। उन्होंने कहा कि भारत गुलाम था, फिर भी जमशेद जी ने भारत को समृद्ध बनाने का सपना देखा। उनके बताए रास्ते पर चलते हुए हमने राज्य में उद्योगों का जाल बिछाने की शुरुआत करने का निश्चय किया है। इसके साथ इस मौके पर मुख्यमंत्री रघुवर दास ने झारखंड को प्राकृतिक संसाधनों से भरा बताया। उनका कहना था कि यहाँ के लोग मेहनतकश हैं, हमारे पास मानव संपदा, भू संपदा सब कुछ है, लेकिन उसके बावजूद भी झारखंड के लोगों को चारागाह समझा जाता था, लेकिन अब झारखंड ने विकास की नई राह पकड़ ली है। 70 कंपनियों का शिलान्यास किया गया, 28,000 लोगों को सीधा रोजगार इससे मिलेगा। तो सीधा चलते हैं रांची, जहां से हमारे संवाददाता राजीव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजीव, 70 कंपनियों का शिलान्यास किया गया, झारखंड के विकास में कितना सहायक होने वाला है ये? देखिए, आज ये जो मोमेंटम झारखंड का उसका दूसरा चरण था और दूसरे चरण में लगभग 70 कंपनियों के साथ का शिलान्यास किया कार्यक्रम किया गया है, जबकि 3 कंपनियों का आज उद्घाटन कार्यक्रम था। और ये पूरा कार्यक्रम इस बात को दर्शाता है कि कहीं ना कहीं झारखंड जो है एक विकसित राज्य की श्रेणी में जा रहा है, एक आगे बढ़ने वाला रोजगार देने वाले राज्य की श्रेणी में जा रहा है। और कहीं ना कहीं एक राज्य सरकार की भी एक अच्छी पहल है कि जिस तरह से उद्योगों को बढ़ावा दिया जा रहा है राज्य में, तो ये यहाँ के युवाओं के लिए रोजगार के क्षेत्र में एक ये बड़ी उपलब्धि कही जा रही है। जी जी राजीव, उसी के साथ इस बार खास ध्यान रखा जा रहा है उन कंपनियों का जो झारखंड के साथ बिजनेस करने वाली है। ईज ऑफ डूइंग के तहत एक ऐसा ऐप लॉन्च किया गया है जिसके तहत तमाम जो भी जरूरतें होती हैं, चाहे बिजली हो या उसके अलावा, उसके लिए कहीं भी इन कंपनियों को जाना ना पड़े, इसके लिए सरकार ने पहल की है। इससे कितनी मदद इन कंपनियों को मिलेगी? देखिए, झारखंड के निर्माण हुए 17 साल हो गए। आप अगर कुछ बातों पे गौर करेंगे तो झारखंड ऐसा प्रदेश है जहां संसाधनों की कमी नहीं है। यहां संसाधन से भरपूर प्रदेश है, चाहे कोयला की बात हो या अभ्रक की बात हो या अन्य पदार्थों की बात हो। यहां से जो कच्चे पदार्थ है वो दूसरे राज्यों में जाते हैं और वहां उत्पादन होता है। तो हर इन 17 सालों में लगातार सवाल उठते रहा कि आखिर दूसरे प्रदेशों में जब यहाँ के कच्चे माल जाते हैं और उत्पादन होता है तो झारखंड में क्यों नहीं उत्पादन हो सकता है। हालांकि इस बार जो रघुवर सरकार आई, पूर्ण बहुमत की सरकार थी, उन्होंने एक पहल की और ये जानने की कोशिश की कि आखिर ऐसी क्या कारण है कि यहाँ उद्योग धंधे जो भी लगाने लगते हैं या जो निवेशक आते हैं वो वापस लौट जाते हैं या उद्योग धंधे सफल नहीं हो पा रहे हैं। तो इन कारणों के पीछे जो कारण ढूंढे गए, उनमें ये समझ में आया कि जो भी उद्योग धंधे लगाने यहाँ निवेशक आते हैं उन्हें भरपूर मदद नहीं किया जाता है। उन्हें कभी जमीन की समस्या आती है, कभी बिजली की
की समस्या आती है, कभी अन्य कुछ जो समस्या है, छोटी छोटी समस्याएं आती है, वो कारण है जिसके कारण यहाँ निवेशक टिक नहीं पाते हैं और झारखंड में अपनी दिलचस्पी नहीं दिखा पाते हैं। उसके बाद ये जो एक नया ऐप लॉन्च किया गया है और सरकार के द्वारा कहा जा रहा है कि एक ऐसा ऐप है जो पूरी तरह से व्यवसायियों के मदद के लिए बनाया गया है, यानी व्यवसायी एक क्लिक करके पूरी जानकारी अपनी पूरी समस्या को उस ऐप के माध्यम से रख सकते हैं और उसके बाद उनकी समस्याओं पर सरकार तुरंत त्वरित कार्रवाई करेगी और उद्योग धंधों के जो विकास में या उन्हें उन्हें लगाने के दौरान जो समस्याएं आएंगी उनको त्वरित कार्रवाई कर और उसको निष्पादन किया जाएगा और कहीं से भी कोई दिक्कत नहीं आने दी जाएगी यहाँ उद्योग लगाने में। जी राजीव, जैसे कि अभी आपने जिक्र किया कि जो कंपनियां जो निवेशक यहाँ आते हैं अक्सर उन्हें जमीन को लेकर समस्याएं फेस करनी पड़ती है, इसी को लेकर सरकार ने सीएनटी एसपीटी में संशोधन की पहल की थी लेकिन हालांकि वो कामयाब नहीं दिखा। अब ऐसे में सरकार आदिवासियों को भी नुकसान ना हो, निवेशकों को भी फायदा मिल सके, जमीन की समस्या थोड़ी कम हो सके, इसके लिए किस तरह का अब पहल, किस तरह का रास्ता अब सरकार निकालने की तैयारी में यहाँ पे? देखिए सीएनटी एसपीटी में संशोधन की जो बात आई थी वो एक पहल थी कि जो झारखंड में निवेशक आते हैं उन्हें किस तरह से, क्योंकि जमीन की जो बात है वो जमीन पूरी तरह से सरकारी जमीन से ही सिर्फ यहाँ निवेशक को नहीं बसाया जा सकता है, उसके लिए आम लोगों की भी जमीन कहीं ना कहीं लेनी ही होगी जरूरत के लिए। लेकिन ऐसे के इन मामलों के लिए सरकार ने सीएनटी एसपीटी में संशोधन किया था कि इसके माध्यम से निवेशक को ज्यादा से ज्यादा झारखंड में लाया जाएगा और उन्हें जमीन मुहैया कराई जाएगी उद्योग धंधे लगाने के लिए। लेकिन जिस तरह से सरकार और विपक्ष ने विरोध किया उसके बाद सरकार के अंदर के लोगों ने विरोध किया था, जिसके बाद सरकार ने यह संशोधन वापस ले लिया था और अब जो नया विधेयक लाया गया है वो भूमि अधिग्रहण विधेयक था जिसमें संशोधन की बात आई है। तो 2017 यह विधेयक है, भूमि अधिग्रहण संशोधन विधेयक 2017, जिसके माध्यम से सरकार अब जो है उद्योग धंधे के लिए जो निवेशक आएंगे उन्हें जमीन मुहैया कराएगी और कहीं ना कहीं एक अच्छी पहल है। इसमें आम लोगों को भी जुड़ना चाहिए कि जब रोजगार चाहिए तो कहीं ना कहीं उद्योग धंधे लगाने पड़ेंगे राज्य में और उसके लिए जमीन की जरूरत पड़ेगी, तो जमीन इन्हीं माध्यमों से सरकार को मिल सकता है। जी बिल्कुल जी राजीव।